Shall we read from the book of 1 Kings, chapter 11, verse 26? We'll read. हम पहला राजा 11 अध्याय उसका 26वां वचन को पढ़ेंगे. In this 1 Kings, chapter 11, verse 26, we read about a man called Jeroboam. इस पहला राजा 11 अध्याय के 26वें वचन में हम एक मनुष्य यारोबाम के बारे में पढ़ते हैं. In the same words we read, Jeroboam was Solomon's servant. और उसी वचन में हम यह भी पढ़ते कि वो जो यारोबाम था वो सेवक था. He was not a great man. He was an ordinary man. वो कोई बड़ा मनुष्य नहीं लेकिन एक साधारण सा एक व्यक्ति था. Now God has selected this Jeroboam for a great job. और अब परमेश्वर ने यारोबाम को एक बड़े काम के लिए चुना है. God wanted to make this Jeroboam as the king of Israel. और परमेश्वर यारोबाम को इज़राइल का राजा बनाना चाहता था. If you read 1 King chapter 14 verse 7. अगर आप पहला राजा 14 अध्याय के 7वें वचन को पढ़े. In 1 King chapter 14 verse 7. पहला राजा 14 अध्याय उसके 7वें वचन में. God was talking about this same Jeroboam. या परमेश्वर उसी यारोबाम के बारे में कहता है. What the Lord is talking chapter 14 verse 7. उस 14 अध्याय के 7वें वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं. Amen, God said, I have chosen you. और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है. I have exalted you or lifted you, Amen, from the people. और मैंने तुझे उस गड्ढे से ऊपर उठाकर तुझे ऊंचा किया है. This morning, if God had a plan for Jeroboam, और अगर परमेश्वर का यारोबाम के लिए एक योजना था तो. If ordinary man Jeroboam, God lifted him as the king. अगर एक साधारण व्यक्ति यारोबाम को परमेश्वर ने राजा के रूप में किया तो. How many of you believe God is having a plan for me? कितने लोग आज विश्वास करते कि परमेश्वर का मेरे लिए भी एक योजना है. So, it was not I mean ordinary plan. तो ये कोई साधारण सा कोई योजना नहीं था. It was the great plan God heard for this man. लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा योजना उसके जीवन में था. Hallelujah. In chapter 11 in the book of 1 Kings we read. और पहला राजा 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं. 1 Kings chapter 11 verse 37. पहला राजा 11 अध्याय के 37वां वचन में. In 1 Kings chapter 11 verse 37 we read. पहला राजा 11 अध्याय के 37वें वचन में हम पढ़ते हैं. God said, I have chosen you. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है. Hallelujah. For what purpose I have chosen you? और किस लिए मैंने चुना है. To be the king of Israel. ताकि तू इज़राइल पर राज करे. That you will rule, I mean this Israel. कि तू इज़राइल पर राज करेगा. So God has chosen, chapter 11 verse 37. God has chosen, God selected this man to become the king of इसराइल. तो पहला राजा 11 के 37 में हम पढ़ते कि परमेश्वर ने इसी व्यक्ति को चुना ताकि वो इसराइल पर राज करे. हालेलुया. इफ यू रीड एफेसियन चैप्टर 1 वर्स 4. अगर आप इफिसियो पहला अध्याय के 4वें वचन को पढ़ेंगे. हालेलुया. मोर देन दिस जेरेमिया God has chosen everyone. और इस यारोबाम से बढ़कर परमेश्वर ने हर एक को आज चुना है. आमीन. गॉड हैज चोसन बिफोर the foundation of this world. परमेश्वर ने हमें इस संसार के निर्माण से पहले ही चुन लिया था. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Say Lord, thank you. You have chosen me. कहे प्रभु धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे चुना है. When the Lord has chosen you, he is having great plan for you. और जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसका आपके जीवन में एक बड़ी योजना भी है. That's what Jeremiah chapter 29 verse 11 as Jeremiah told. और वही यर्मिया 29 अध्याय के 11 वचन में यर्मिया कहता है. In Jeremiah chapter 29 verse 11, God said, I have a plan for you. और यर्मिया 29 अध्याय के 11 वचन में परमेश्वर ने कहा कि मेरा तेरे लिए एक बड़ा योजना है. 29 verse 11, Hallelujah. 29वां अध्याय का 11 वचन में. God said, I have a plan. परमेश्वर ने कहा कि मेरा तेरे लिए एक बड़ी योजना है. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. यर्मिया 29 वर्स 11. यर्मिया 29वां अध्याय का 11 वचन में. गॉड स्पोक टू इज़राइल, आई हैव ए प्लान फॉर यू. परमेश्वर ने इज़राइलियों से बात किया कि मेरा एक बड़ी योजना आपके लिए है. समटाइम्स वी डू नॉट नो व्हाट इज गॉड्स प्लान. कुछ समय हम नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या योजना है. सो वी आर वरिंग इन आवर लाइफ. इसलिए हम हमारे जीवन में चिंतित होते हैं. समटाइम वी आर मोर डिस्करेज because we are not understanding what is God's plan. कुछ समय हम बहुत निराश हो जाते क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की क्या योजना है. But once we understand, hallelujah, once we know
व्हाट इज गॉड्स प्लान इन आवर लाइफ, लेकिन हम जब समझ जाते कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है, देन वी विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, तो हम किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। ही विल से माय लॉर्ड इज देयर, आप कहेंगे कि मेरा प्रभु है, ही विल टेक केयर, वो मेरी देखभाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। द जरोबियम वाज ओनली ऑर्डिनरी मैन, ये जो यारोबाम था वो एक साधारण सा व्यक्ति था। इसी इन चैप्टर 11 वर्स 29 और 11 अध्याय के 29वें वचन में, इन चैप्टर 11 इन द बुक ऑफ फर्स्ट किंग, पहला राजा 11 अध्याय में वर्स 29 वी रीड, उसके 29वें वचन में हम पढ़ते हैं, देयर वाज अ प्रॉफिट नेम कॉल अहिजा, वहां पर एक भविष्यद्वक्ता उसका नाम अहिया था। द प्रॉफिट नेम अलिया, व्हाट वाज द अहिजा वाज द नेम, उस वहां पर एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम अहिया था। सो द अहिजा वन डे ही मेट दिस जेरोबियम इन ए फील्ड, तो एक दिन जो अहिया था वो यारोबाम को एक खेत में मिला। वेयर द प्रॉफिट मेट द जेरोबियम, ये नबी कहां पर उस यारोबाम से मिला? इन वर्स 29 वेयर ही मेट, 29वें वचन में पढ़ते हुए कहां पर मिले थे? द प्रॉफिट मेट दिस जेरोबियम इन ए फील्ड, ये जो अहिया नबी था वो उस यारोबाम को एक मैदान में मिला। गॉड इज हैविंग अ place to meet everyone. आज परमेश्वर का एक स्थान है जहाँ पर वो हमसे मिलता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Sometimes the Lord meets you where you work. कुछ समय जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर परमेश्वर आपसे मिलेगा। Sometimes the Lord meets you where you stay. और कुछ समय जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर परमेश्वर आपसे मिलेगा। In different way God meets his people. और अलग अलग जगहों पर परमेश्वर अपने लोगों से मिलता है। If you read First King Chapter 19, verse 19. अगर आप पहला राजा 19वां अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ेंगे, prophet Elisha was chosen. और यहाँ पर हम पढ़ सकते कि एलिशा नबी कैसे चुना गया था। In the book of First King, chapter 19, verse 19, we read. पहला राजा 19वां अध्याय का 19वें वचन में पढ़ते हैं। What Elisha was doing? वहाँ पर एलिशा क्या कर रहा था? I mean, he was plowing the land. वो वहाँ पर उस जमीन को बैल चला रहा था। He was a farmer man. वहाँ पर वो एक फार्मर था। He was in the field. वहाँ पर मैदान में जब वो था। So when he was plowing the land in the field, जब वो खेत खेती कर रहा था, who came to meet him? तब उसे मिलने के लिए कौन आया? Elijah came to meet him in that same field. और उसी खेत में एलिया उसे मिलने आया था। God is having a better field for you. आज परमेश्वर का हमारे लिए एक बेहतर खेत है। हमने से God is having a field Hallelujah to meet me. और कितने लोग कह सकते हैं आज परमेश्वर का एक अच्छा एक जमीन है, अच्छा एक स्थान है हमसे मिलने के लिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today is the time the Lord meets you. और आज वो समय है जब परमेश्वर आपसे मिलेगा। You see, when prophet met this man, और आप समझे जब वो नबी इस मनुष्य से आकर मिला, he did not meet simply. और वो ऐसे ही आकर नहीं मिला। He did not meet this cherubim. Without any purpose. वो उस यारोबाम को बिना किसी उद्देश्य के नहीं मिला। He with purpose only he met this Jeroboam. उसने एक उद्देश्य के साथ इस यारोबाम को मिला। In verse 30, what we read? उस पहला राजा 11 अध्याय के 30 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? In First King chapter 11 verse 30. पहला राजा 11 अध्याय के 30 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? See this Ahijah the prophet was having a new garment. और यहाँ पर हम पढ़ते कि उस अहिया नबी के पास एक अच्छा एक नई चादर थी। What garment he was having? और कैसा एक चादर उसके पास था? A new garment he was wearing. उसने एक नई वस्त्र एक नए चादर को पहना था। But when he met this Jeroboam, लेकिन जब वो यारोबाम को आकर मिला, What the prophet did? तब उस नबी ने क्या किया? He removed that new garment. उसने उस नए वस्त्र को निकाल कर, I mean, how many pieces he made? उसने उसके कितने टुकड़े कर दिए? 12 pieces he made. उसने 12 टुकड़े उसे कर दिए। After making 12 pieces, और उसे 12 टुकड़े करने के बाद, he just put it down. और उसे उसने नीचे फेंक दिया। Hallelujah, I mean, he did not give any piece. In Jeroboam's hand. उसने कोई भी टुकड़े उस यारोबाम के हाथों में नहीं दिया। All the pieces where he put. और सारे टुकड़ों को उसने कहाँ फेंक दिया? After tearing that new garment where he put. उस नई चादर को फाड़ने के बाद उसने कहाँ डाल दिया? He made 12 pieces and put it down. उसने 12 टुकड़े कर उसे नीचे फेंक दिया। Then, hallelujah, in the next verse, verse 31,
the prophet was telling. और उसके अगले वचन में 31 वचन में वो नबी कहता है. Verse 31. First King chapter 11 verse 31 we read. पहला राजा 11 थे कि 31 वचन में पढ़ते हैं. After Alaliah putting down 12 pieces. उन 12 टुकड़े को नीचे फेंकने के बाद. And this prophet told him, you take how many pieces? उसी नबी ने अब यारोबाम से कितने टुकड़े उठाने को कहा. You take 10 pieces, Alaliah, in your hands. उसने कहा कि तू तेरे हाथों में 10 टुकड़े को ले ले. This is what God is giving you, Rabbi. और यही काम आज परमेश्वर आपको भी देता है. You see, Alaliah, the king Saul, और आप समझे ये जो शौल राजा था. And the king David, और दाऊद राजा. Then king Solomon, और सुलेमान राजा. These all three kings, ये तीन राजा तो थे. They were ruling all the 12 tribes, और ये उन 12 गोत्रों पर राज्य करते थे. But after Solomon, the kingdom was divided. लेकिन सुलेमान के बाद वो जो राज्य था वो बिखर गया था. The 10 tribes, Alaliah given to this Jeroboam. जो 10 गोत्र था वो यारोबाम को दिया गया था. 2 tribes given to Solomon's son Rehoboam. और दो गोत्र जो था वो सुलेमान का जो बेटा था राहोबाम को दिया गया था. Now here the prophet is telling, you take how many pieces? और यहाँ पर नबी कहता है तू कितने टुकड़े को ले ले. You take how many pieces? कितने टुकड़े को ले ले. 10 pieces. वो कहता है 10 टुकड़े को ले ले. That is the great blessing he has received. और ये एक बड़ी आशीष उसने प्राप्त किया था. This morning as God blessed that Jeroboam was not at all worthy. और जैसे परमेश्वर ने उस यारोबाम को आशीष किया जो किसी का योग्य नहीं था. More than Jeroboam, you are worthy because of Jesus. लेकिन आज यारोबाम से बढ़कर हम योग्य है यीशु मसीह के कारण. हमने से in Jesus I am worthy. कितने लोग कह सकते कि यीशु मसीह के कारण आज मैं योग्य हूँ. से in Jesus I am worthy to receive all the blessing. और कहे कि यीशु में मैं योग्य हूँ सारे आशीष को प्राप्त करने के लिए. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. So in Jesus you receive all the blessing. यीशु मसीह में आप सारे आशीषों को प्राप्त करते हो. Sometimes God is speaking through the word. कुछ समय परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करता है. Hallelujah. Just he talk and go. और कुछ समय हमसे बातें कर वो चले जाते हैं. But sometimes like a parable, like example, Alaliah he is talking. लेकिन कुछ समय ऐसे उदाहरण देकर वो हमसे बातें करता है. That we may understand Alaliah ame easily the message. ताकि हम उस संदेश को आसानी से समझ पाए. Why God Alaliah was doing like this? और ऐसे क्यों परमेश्वर कर रहे थे? Making 12 pieces, 10 gave. और क्यों 12 टुकड़ों को कर क्यों उसे दे रहा था? That is easily to understand. इस मैसेज ताकि उस संदेश को वो आसानी से समझ पाए. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. डियर गॉड चिल्ड्रन, गॉड ऑलवेज एक्सेप्ट हिज पीपल टू अंडरस्टैंड हिज वर्ड हिज मैसेज इजीली. और प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके संदेश को आसान तरीके से आपको बताए. गॉड अलली डस नॉट स्पीक वोकैबुलरी लैंग्वेज. और परमेश्वर कोई ऐसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता. द लैंग्वेज व्हिच वी डू नॉट अंडरस्टैंड. जो भाषा हम नहीं समझ सकते वैसे नहीं कहता. गॉड वांट द मैसेज इजी फॉर अस. लेकिन वो संदेश को बहुत साधारण तरीके से हमसे बांटता है. दैट वी विल इजीली अंडरस्टैंड. And we will live according to that. ताकि हम आसानी से उसे समझ पाए और उसके अनुसार हम जिए. हमें always the prophets were doing like. और हमेशा जो नबी थे ऐसे ही करते थे. इसी in the book of Jeremiah chapter 19. और यिर्मयाह 19वां अध्याय में. In Jeremiah chapter 19 verse 1 we read. यिर्मयाह 19वां अध्याय उसके पहले वचन में हम पढ़ते हैं. God said Jeremiah, you take one earthen vessel. और परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू एक कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक बर्तन को ले ले. What vessel he was to take? और कैसा एक बर्तन उसे लेना था? One earthen vessel he had to take. उसको एक मिट्टी की बनाई हुई बर्तन को लेना था. Is it a wet vessel? और क्या वो गीला था? It is wet clay. Or it is already made hot and perfect pot. और क्या वो एक मिट्टी थी या पहले से वो बनाया गया था, बर्तन बनाया गया था? Already Alaliah made perfect. और पहले से वो बर्तन बना चुका था. The previous chapter, chapter 18. उसके पहले वाले अध्याय 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं. That was the wet clay.
वहाँ पर हम उस मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। God said to Jeremiah, you go to potter's house. और वहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह से कहता कि तू उस कुमार के घर पर जा। What potter was doing? और वहाँ पर कुमार क्या कर रहा था? The potter was doing that clay, Alleluia's potter. और वो कुमार जो था मिट्टी से उस बर्तन को बना रहा था। It was not coming, then he made in different way. और वो ठीक से नहीं बन पा रहा था, तो फिर दूसरी तरीके से उसने बनाया। But here chapter 19 verse 1. This is not like 18. लेकिन यिर्मयाह 19वां अध्याय के पहले वचन हम जो पढ़ते हैं वो 18 अध्याय के जैसा नहीं। This is already made and it is already sold. यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो पहले से वो बन चुका था वो बर्तन। Already people are using this pot. और पहले से लोग उस बर्तन का इस्तेमाल करने लगे थे। What God is telling? और परमेश्वर अब क्या कहता है? You take this pot. तू उस मिट्टी के बर्तन को ले ले। If you read verse 10. अगर आप 10वें वचन को पढ़े, The book of Jeremiah chapter 19 verse 10 we read. यिर्मयाह 19वां अध्याय के 10वें वचन में पढ़ते हैं। God said to you, throw that pot now. और परमेश्वर ने कहा कि तू उस बर्तन को अब फेंक दे। You throw that pot down. तू उस बर्तन को नीचे फेंक कर उसे तोड़ दे। What happened? और उसके बाद क्या हुआ? When the pot was thrown, what happened? जब उस बर्तन को फेंके तो क्या हुआ? It was broken into pieces. वो टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। Then after that, God is giving message. और उसके बाद परमेश्वर एक संदेश देता है। I mean the next verse, verse 11 we read. उसे अगले वचन 11वें वचन हम पढ़ते हैं। How this pot is broken into pieces. वो परमेश्वर कहता है जैसे ये मिट्टी का बर्तन टूट गया है। I will make Israel people to be scattered. मैं इसराइलों को ऐसे तितर-बितर कर दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. So God is making easy to understand. इस मैसेज तो परमेश्वर अपने संदेश को आसान तरीके से हमें बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हमने से लॉर्ड यू स्पीक टू मी दैट आई कैन अंडरस्टैंड। आज के लोग कह सकते हैं प्रभु तू मुझसे बातें कर ताकि मैं समझ पाऊं। व्हेनेवर यू रीड गॉड्स वर्ड, जब कभी आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आप कुछ वचन नहीं समझ पाते, यू हैव टू प्रे विद टीयर्स, आपको आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है। एंड यू टेल लॉर्ड यू रिवील that I can understand. और आपको परमेश्वर से कहना कि प्रभु तू प्रकट करता कि मैं उसे समझ पाऊं। Sometime David cry for that. कुछ समय दाऊद इसलिए रोता था। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So now, hallelujah. I mean, this man in the field, 10 pieces put down. Proper told you take 10 pieces. और अब हम पढ़ते कि उस मैदान में 10 टुकड़ों को उस नबी ने उसे उठाने को कहा। It was whose duty to take? और वो किसका काम था वहाँ पर उठाने का? According to verse 31, उस 31 वचन के अनुसार, First King chapter 11 verse 31, पहला राजा 11 अध्याय के 31 वचन के अनुसार, It was whose duty to take it? और किसका काम था उस टुकड़े को उठाने का? Who was supposed to take? किसे उस टुकड़े को उठाना था? Prophet was to take or Jeroboam? क्या उस नबी को उठाना था या यारोबाम को उठाना था? Jeroboam was to take it. उन टुकड़ों को यारोबाम को उठाना था। You see, the prophet after tearing in 12 pieces, he did not give only 10 pieces in his hands. और वो नबी उन 12 टुकड़ों को फाड़कर उसके हाथों में नहीं दिया था। He just put it down. लेकिन उसने उसे नीचे फेंक दिया था। I mean, younger man, the prophet told you take it. और उस नबी ने कहा कि तू उन 10 टुकड़ों को उठा ले। Dear God, children, sometime we think the Lord will bring. And put it in our mouth. और कुछ समय हम भी सोचते कि परमेश्वर उसे लाकर हमारे मुंह में डालेगा। We think the Lord will put it on our head. हम सोचते कि परमेश्वर हमारे सर पर उसे रखेगा। The Lord is keeping your blessing in front of you. लेकिन परमेश्वर कुछ समय अपने आशीषों को हमारे सामने रखता है। Hallelujah. The Lord is keeping something in front of you. It is your duty to take it. परमेश्वर कुछ चीजों को आपके सामने रखता है लेकिन हमारा काम है कि हम विश्वास के साथ उसे उठा ले। And God is opening our eyes of faith. परमेश्वर आपके विश्वास के आंखों को खोलता है। Hallelujah. Amen. God is opening your spiritual eyes. और परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोलता है। You can see great blessing in front of you. और आप महान आशीषों को आपके सामने देख सकते हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's not God will give you in your hand. It is our duty to take it. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके हाथों में आकर देगा, कुछ समय हमें उसे ले लेना है। Are you ready to take it? क्या आप तैयार हैं उसे लेने के लिए? Already the Lord arranged for you. परमेश्वर ने सब कुछ पहले से आपके लिए तैयार कर दिया है। The better job.
एक बेहतर काम नौकरी, बेटर बिजनेस, एक बेहतर व्यापार, बेटर कोर्स इन स्टडी, एक बेहतर कोर्स पढ़ाई का, एवरीथिंग द लॉर्ड हैज केप्ट बिफोर, सब कुछ पहले से परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। इट इज हियर टू सेलेक्ट, हियर टू टेक इट इन योर, लेकिन मे विद फेथ, आपको अपने हाथों से उसे लेना है विश्वास के साथ। हमने से आई टेक इट, कि लोग कह सकते कि मैं उसे प्राप्त करूंगा। टुडे आई टेक इट विद फेथ इन माय लाइफ, मैं विश्वास के साथ उसे मेरे जीवन में लेता हूं। इफ यू रीड सेकंड किंग्स, अगर दूसरे राजा में आप पढ़ेंगे, इन सेकंड किंग chapter 6 verse 7 if you read, dusra raja chhate adhyay uske 7ve vachan mein padhte hain, in second king chapter 6 verse 7, dusra raja chhate adhyay ka 7ve vachan mein, you see already that axe cord, that iron piece, I mean fallen in the water, aur us jo lakdi ka kaat us nadi par jab gir gaya tha, elisha put what, elisha ne kya feka, elisha put one small stick in the water, और एलिशा ने लोहे का एक टुकड़ा उस पानी में डाल दिया। That is chapter 6 verse 6 if you read you can understand। छठे अध्याय के छठे वचन में आप प्रभु तो समझ पाएंगे। In second king chapter 6 verse 6 we read। दूसरा राजा छठे अध्याय के छठे वचन में पढ़ते हैं। Hallelujah, where that iron piece fallen? वो लोहा का टुकड़ा कहाँ पर गिर गया था? Water is going hallelujah that river। और पानी तो उस नदी में बह रहा था। And this prophet took small, I mean piece of stick. और उस नबी ने उस लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। Like one small branch, I mean from the tree. और जैसे पेड़ का एक छोटा सा एक भाग उसने लिया। I mean he put it in the water. और उसने पानी में डाल दिया। What happened? और वहाँ पर क्या हुआ? Hallelujah, the iron piece was swimming. The iron piece was floating. और वो जो लोहा है अब बहने लगा। The iron piece was floating in the water. वो पानी में अब बहने लग गया था। You know that iron piece was not running away. और जो लोहा का जो वो छोटा सा टुकड़ा वो बहने नहीं लगा। Iron piece was not running away 2 miles, 3 miles. वो तेजी से 2 मील 3 मील आगे नहीं बढ़ा। Iron piece was floating there only. लेकिन वो लोहा का टुकड़ा जहाँ पर फेंका वहाँ पर ही था। हमने से हालांकि iron piece is floating. In front of me, आज के लोग कहते हैं कि लोहा का टुकड़ा मेरे सामने ही है। That is what I mean God's miracle. और वो ही परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में। That's what I mean God's restoration. और वो ही जो परमेश्वर आपके लिए रखा है। That's what God's blessing. और वो ही परमेश्वर का आशीष आपके लिए It's है। It's only in front of you floating now. वो आपके सामने ही है। It's not running away from you. वो कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। Praise the Lord. प्रस्तुति हो। The heavy water is flowing. और वहाँ पर पानी तो बढ़ रहा But था। But it is there only in front of you. लेकिन वो लोहा का टुकड़ा उसके सामने ही था। When God has kept something. लेकिन जब परमेश्वर कुछ आपके लिए रखा है। Unless when God has kept something. कितने लोग कह सकते हैं जब परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ रखा है। No one can pluck it from here. और कोई भी उसे छीन नहीं सकता। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. When God has planned, when God has kept something for you. जब परमेश्वर के कुछ योजना है, कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Dear God children, it is for you. Hallelujah. परमेश्वर के बच्चे वो आपके लिए ही है। Hallelujah. Hallelujah. See, he thought that The man already thought. और यहाँ पर उस व्यक्ति ने सोचा। Elisha, the old man will take and give. उसने सोचा कि वो Elisha नबी उसे उठाकर उसे दे देगा। Because he only, I mean, did all the miracle. क्योंकि उसने सारे चमत्कारों को किया। I mean, he must have thought Elisha will take it and give. उसने सोचा कि Elisha उसे उठाकर उसे दे देगा। But in verse, hallelujah, I mean, 7. What Elisha told? लेकिन सातवें वचन में Elisha ने क्या कहा? What Elisha told? Elisha ने क्या कहा? Chapter 6 verse 7, Elisha did not say, I will take and give you. दूसरा राजा छठे अध्याय के सातवें वचन में पढ़ते कि Elisha ने ये नहीं कहा कि मैं उसे उठा कर दूंगा। What Elisha is telling? Elisha ने उसे क्या कहा? Hallelujah, that iron piece is in front of you only. उसने कहा कि वो लोहा का टुकड़ा तेरे सामने ही है। It is your duty. Take it. लेकिन अब तेरा काम है कि तू उसे उठा ले। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Elisha is telling or not? क्या Elisha ने ऐसे कहा या नहीं? I mean, you take it. उसने कहा कि तू उसे उठा ले। You take it. तू उसे उठा ले। Why you are not blessed? और आज क्यों आप आशीषित नहीं हैं? Why you are not blessed? आप क्यों आशीषित नहीं हैं? Because you are waiting. God will bring everything. In your mouth. क्योंकि आप रुके रहते कि परमेश्वर सब कुछ आकर आपके हाथों में दे। You are waiting, God will bring everything upon your head. और आप सोचते कि परमेश्वर सब कुछ आपके सर के ऊपर रखकर जाए। God is not bringing
लेकिन आज परमेश्वर आपके सर के ऊपर रखता नहीं, God has kept everything before you. परमेश्वर ने सब कुछ आपके सामने रखा है. Hallelujah. Hallelujah. Just you claim it for your Lord. आपको केवल उसे लेना है And take it for your Lord. और आपके लिए उसे प्राप्त करना And है. I claim. कितने लोग कहते हैं कि मैं ले लूंगा. I claim in मैं Jesus. ले लूंगा यीशु के नाम से. I take it for me, Lord. मैं उसे मेरे लिए ले लूंगा. I take it for me, Lord. मेरे लिए मैं उसे प्राप्त करूंगा. I take this visa for me, Lord. और ये वीजा को मैं मेरे लिए ले लूंगा. I take this promotion for me. और इस प्रमोशन को मैं ले लूंगा. I take this best job for me. मैं बेहतर नौकरी को मेरे लिए ले लूंगा. I take this business for me. मैं इस व्यापार को ले लूंगा. I can. मैं उसे प्राप्त करूंगा. Because I understand the Lord has brought for me this. क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. Hallelujah. Dear God children. Hallelujah. Sometimes we are misunderstand. और कुछ समय हम कुछ अलग ही सोचते हैं. Hallelujah. We are so lazy. हम बहुत ही God has done everything for us. परमेश्वर ने तो सब कुछ हमारे लिए कर लिया है. We are so lazy. We are not able. और हम इतने आलसी हैं कि हम उसे समझ नहीं पाते. We are so lazy. We are not ready. और हम इतने आलसी हैं कि उसे नहीं ले पाते. So today you say. I am ready. लेकिन आज हमें तैयार होना है. Say I am not lazy. कहें मैं आलसी नहीं हूँ. I am ready to claim in my life. लेकिन मेरे जीवन में प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Today when you go back to home. आज जब आप घर लौटोगे. हमें with faith you pray. विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें. Lord I believe. परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ. You have kept everything in front of. तूने सब कुछ मेरे सामने रख दिया है. Give me faith. और विश्वास दे प्रभु. Give me strength. मुझे सामर्थ्य दे प्रभु. Give me more vision. मुझे और एक I will take it for me today. दर्शन दे ताकि मैं उसे प्राप्त कर लूं. Then you will understand how God is leading you. और तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपको कैसे चलाते हैं. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. See chapter 11 verse. हमें 33 we read. और 11 अध्याय के 33 वचन में पढ़ते हैं. Chapter 11 verse 33. Hallelujah, first king we read. पहला राजा 11 अध्याय के 33वां वचन में हम पढ़ते हैं. What we read, first king chapter 11 verse 33. पहला राजा 11 अध्याय के 33वां वचन में क्या पढ़ते हैं? What reason verse 33 God is giving? उस 33वें वचन में परमेश्वर क्या कारण देते हैं? Because these people have forsaken me. और क्योंकि उन लोगों ने मुझे त्याग दिया. And they worship idols. और उन मूर्ति पूजा करने लगे. Hallelujah. Hallelujah. I am not. I mean, giving these 10 tribes in your hands. I am not making you as the king that you are worthy. You are all great. और मैं ये 10 राज्य को तेरे हाथों में दे रहा हूँ क्योंकि तू योग्य नहीं है. तू योग्य है इसलिए नहीं. I mean, I am not making you because you have qualities. और तेरे में कोई अच्छे गुण है इसलिए मैं तुझे नहीं बना रहा. The reason, Hallelujah, somebody and some people. They lost the opportunity. और उसका ये कारण है कि कुछ लोगों ने अपने मौकों को खो दिया है. Hallelujah, what lost opportunity? वो क्या मौके को उन्होंने खो दिया? The great opportunity what God has given. जो बड़ा मौका परमेश्वर ने उन्हें दिया था. They lost that opportunity. उन मौकों को उन लोगों ने खो दिया. Hallelujah. Hallelujah. The reason Solomon. He worship idol. और उसका कारण ये था कि सुलेमान ने उस मूर्ति पूजा किया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. See if you read First King chapter 11 verse 11. और अगर पहला राजा 11 थे कि 11 वचन को आप पढ़ेंगे. First King chapter 11. Hallelujah. Amen. Verse 8 we'll read first. पहला राजा 11 थे कि 8वें वचन को हम पढ़ेंगे. And also verse 5. और 5वें वचन को भी. Chapter 11 verse 5 and 8. पहला राजा 11 अध्याय के 5वें और 8वें वचन को पढ़ेंगे. चैप्टर 11 फर्स्ट किंग्स वर्स 5 एंड वर्स 8. और पहला राजा 11 अध्याय का 5वां और 8वें वचन को पढ़ेंगे. सोलोमन वेंट आफ्टर अदर गॉड्स. सुलेमान दूसरे देवताओं के पीछे हो गया. ही वाज टू वर्शिप गॉड. उसे परमेश्वर की आराधना करना था. द सेम मैन हु बिल्ट द टेंपल फॉर गॉड. जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाया था. ही बिल्ट अल्टर एंड टेंपल्स फॉर आइडल्स. अब वो परमेश्वर दूसरे देवताओं के लिए एक मंदिरों को बनाया. इट इज द सोलोमन्स सिन, द सोलोमन मिस्टेक. और ये सुलेमान की एक बड़ी गलती और एक बड़ा पाप था. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट गॉड डिड. और उस कारण परमेश्वर ने क्या किया? इन चैप्टर 11 वर्स 9 व्हाट गॉड
did with this man. 11 अध्याय के 9वें वचन में परमेश्वर ने क्या किया? God got angry with Solomon. परमेश्वर सुलेमान से अब क्रोधित हो गए थे. Is it there verse 9? क्या 9वें वचन में ऐसा लिखा है? God was angry with Solomon. और यहोवा सुलेमान पर क्रोधित थे. हालेलुया. God was angry with Solomon because of that idol worship. परमेश्वर सुलेमान से क्रोधित थे क्योंकि वो देवता अलग मूर्ति पूजा कर रहा था. And the next words, verse 11, God said. और उसके अगले वचन 11 वचन में परमेश्वर ने कहा. Because you forsaken me and you went after other gods. और क्योंकि तू मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे गया. Because you worship idols. क्योंकि तू उन मूर्तियों की पूजा करने लगा. Chapter 11, verse 11, we read, I'll broken this country in pieces. और 11 अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ते कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा. The Lord is telling or not? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? The Lord already told, I will make your kingdom into pieces. परमेश्वर ने कहा कि इस राज्य को मैं तितर बितर कर दूंगा. That's what exactly happened. I mean, 10 pieces given to Jeremiah now. और ऐसा ही हुआ और अब वो 10 भाग जो था वो यारोबाम को दिया गया. Why it came to Jeremiah's hand? Jeroboam's hand? वो क्यों वो 10 राज्य यारोबाम के हाथों में आ गया? Why it came to Jeroboam's hand? वो क्यों यारोबाम के हाथों में आया? It is because of somebody's sin. क्योंकि वो किसी और के पाप के कारण. Because of Solomon's rebellion. सुलेमान के पाप के कारण. Because of Solomon's backsliding. सुलेमान के पीछे हटने का कारण. Because of Solomon idol worship. और सुलेमान के मूर्ति पूजा के कारण. He had all the blessing. उसके पास सारे आशीष थे. He was the king for all the 12 tribes. 12 गोत्र का वो राजा था. But he lost everything because hallelujah, he lost because of sin. लेकिन पाप के कारण उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया. हालेलुया. This morning God wants to bless you. आज सुबह परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है. God wants to exalt you more. परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाना चाहता है. But if you allow sin in your life. लेकिन अगर आपके जीवन में आप पाप को अनुमति दे. If you allow devil to work in your life. अगर शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए आप मौका दे. Then what the opportunity God has given you, you may have to lose. तो जो मौका परमेश्वर ने आपको दिया आपको शायद उसे खोना पड़े. Hallelujah. Hallelujah. I mean, say, Lord, help me. कितने लोग कहते कि प्रभु तू मेरी मदद कर. Help me that I will be holy. हाँ प्रभु मदद कर ताकि मैं और पवित्र बनूं. I will be worthy to have all your blessing in my life. ताकि तेरे सारे आशीष को प्राप्त करने के लिए मैं योग्य बनूं. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. See, Jeremiah told. और यरमिया ने कहा. In Jeremiah chapter 2 verse 13. यरमिया दूसरा अध्याय के 13 वचन में. In Jeremiah chapter 2 verse 13 we read. यरमिया दूसरा अध्याय के 13 वचन में हम पढ़ते हैं. My people have done two sin. और मेरे लोगों ने पाप किया है. Hallelujah. My people have done two mistakes. मेरे लोगों ने दो बुराइयां की है. Number one, I am the living water. और सबसे पहले मैं वो बहता जल हूँ. They have forsaken the living water, me. उस बहते जल के स्रोतों को मुझे उन्होंने त्याग दिया है. And what they have chosen? और उन्होंने क्या चुन लिया है? What they have chosen? क्या चुन लिया they है? They have chosen broken cistern. और जो टूटे हुए उसे चुन लिया है. Hallelujah. Broken cistern, water tank like the broken one. Hallelujah. It was speaking about idol. और जो टूटे हुए जो हौद है वो ऐसे मूर्तियों को बताता है. Hallelujah. Hallelujah. Idol worship is broken cistern. जो मूर्ति पूजा है वो टूटा हुआ हौद है. Our God is living water. लेकिन परमेश्वर वो जीवन का जल है. But what Israel people did? और इस्राएल लोगों ने क्या कहा? They left, they forsaken. God, उन लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया. And they have chosen idols for them. और उन्होंने मूर्तियों को चुन लिया था. In Jeremiah chapter 15 verse 6 we read. यरमिया 15 अध्याय के 6वें वचन में पढ़ते हैं. In Jeremiah chapter 15 verse 6 how Israel people were moving in the spiritual life. यरमिया 15 अध्याय के 6वें वचन में इजराइल लोग कैसे अपने आत्मिक जीवन में थे. How Israel people were moving in the spiritual life. अपने आत्मिक जीवन में वो कैसे बढ़ रहे थे. God was looking His people to move forward. और परमेश्वर चाह रहा था कि उसके लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़े. But how they were, I mean, going in the spiritual life. लेकिन वो आत्मिक तरीके से कैसे बढ़ रहे थे. Instead of going front, वो आगे बढ़ने को छोड़कर they are going back. अब वो पीछे और हटने लगे. They are backsliding more. वो नाश के तरफ जा रहे थे. Because of that, what God said? और इस कारण परमेश्वर ने क्या कहा. God said, I will destroy them. परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें नाश करूंगा. Jeremiah chapter 15 verse 6, God said,
I will destroy them. यर्मिया 15 अध्याय के छठे वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें नाश करूंगा. हालेलुया 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 हालेलुया. Amen. I say, Lord, I will worship you alone. कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु मैं केवल तेरी आराधना करूंगा. And I will walk in your ways. और मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा. I will walk in your ways. मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा. And I will keep your word in my life. और तेरे वचनों को मेरे जीवन में मैं रखूंगा. These three things are very important. God is expecting in our life. और ये जो तीन बातें हैं परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है. Worship God alone. सबसे पहले हमें केवल परमेश्वर की आराधना करना है. Worship the Lord alone. केवल परमेश्वर की आराधना. And the second, walk in His ways. और दूसरा हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है. And third, keep His commandments. और तीसरा उसके वचन को हमें पालन करना है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Amen. That's what in the book of Deuteronomy. और वही व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं. It's a beautiful words, Deuteronomy 10 verse 12. व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय का 12वें वचन में. Moses spoke to Israel people. मूसा जब इसराइलियों से बात कर रहा था. What God is expecting you. और कहा कि परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है. Chapter 10 verse 12 in the book of Deuteronomy. व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय उसके 12वें वचन में. हमें Moses told what God is expecting you Israel. मूसा ने कहा कि परमेश्वर इसराइल से क्या चाहता है. God is expecting that you will walk in His ways. परमेश्वर यह चाहता है कि तुम उसके मार्गों पर चलो. And you will love the Lord. ताकि तुम उसे प्रेम रखे. You will fear the Lord. और तुम उसे उसका भय माने. And you will keep His commandments. और उसके आज्ञाओं को पालन करें. Hallelujah. These things the Lord is expecting you. और इन्हीं बातों को परमेश्वर आपसे चाहता है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. Hallelujah. Today understand what God is expecting. आज आप समझे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. You cannot please God with any other thing. और कोई भी दूसरे बातों से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते. Hallelujah. You love the Lord. आप परमेश्वर से प्रेम रखे. You fear the Lord. परमेश्वर का भय माने. You walk in His ways. और उसके मार्गों पर चले. Worship the Lord. उसकी आराधना करे. And keep His word. और उसके वचनों का पालन करे. Or obey His word. उसके वचनों को आप आज्ञा मानो. This is what the Lord is expecting from us. और यही परमेश्वर हमसे चाहता है. Praise the Lord. Hallelujah. I'm going to say fear God. कितने लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का भय मानूंगा. Say fear God. परमेश्वर का भय मानूंगा. Hallelujah. Worship the Lord. परमेश्वर की आराधना करूंगा. Love your God. परमेश्वर से प्रेम रखूंगा. Walk in His ways. उसके मार्गों पर चलूंगा. Obey His word. उसके वचनों को मैं पालन करूंगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. You see the same thing. Hallelujah, his father David told him. और यही बात उसके पिता दाऊद ने भी उससे कहा. हमने अब taken the book of First King chapter 2. और पहला राजा दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं. First King chapter 2 verse 3 we read. पहला राजा दूसरा अध्याय के तीसरे वचन में पढ़ते हैं. See, hallelujah, when Solomon became king. जब सुलेमान राजा बना था. Solomon became king. जब सुलेमान राजा बना था. His father was going to die. उसका पिता अब मरने वाला था. Very old man now. उसका पिता अब बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था. And his father David was giving some advice. और उसका पिता अब उसे कुछ बातों को कहता है. Chapter 2 verse 3, what advice? David gave. पहला राजा दूसरा अध्याय के तीसरे वचन में दाऊद ने क्या बातें उसे कही. David said, my son. दाऊद ने कहा, हे मेरे बेटे. Hallelujah. What you have to do? तुझे क्या करना है. What you have to do? तुझे क्या करना है. You have to walk in God's ways. तुझे परमेश्वर के मार्गों पर चलना है. Hallelujah. Hallelujah. Is it there you have to walk in God's ways? कैसा लिखा है कि परमेश्वर के मार्गों पर चलना है. Chapter 2 verse 3. दूसरा राजा पहला राजा दूसरा अध्याय के तीसरे वचन में. And obey His word. और उसके आज्ञाओं को आप मानो. एंड कीप हिज कमांडमेंट इन योर लाइफ. और उसके आज्ञाओं का आपके जीवन में पालन करें. एवरीथिंग एवरी एडवाइस His father David gave him. और सब कुछ उसके पिता दाऊद ने उसे कह दिया था. इफ यू डू दिस God will bless you. God will establish you. अगर तू इन बातों को करता है तो परमेश्वर तुझे आशीष देगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. Hallelujah. You know, Hallelujah, when Solomon built the temple. और आप जानते जब सुलेमान ने उस मंदिर को बांधा. Hallelujah. On the opening day, dedication day. उस मंदिर के जब opening था. Solomon prayed or not? क्या सुलेमान ने प्रार्थना किया या नहीं? Dedication day prayed or not? क्या उसने प्रार्थना किया था? Hallelujah. I mean, very lengthy prayer he made. और एक बड़ी सी प्रार्थना उसने वहाँ पर की थी. So much he prayed. और बहुत प्रार्थना उसने वहाँ पर किया था. After his prayer. और उसके प्रार्थना के बाद. The Lord started.
speaking to this Solomon. परमेश्वर सुलेमान से बात करने लगे. In 1st King chapter 9 verse 3 we read. पहला राजा 9वें अध्याय के तीसरे वचन में पढ़ते हैं. 1st King chapter 9 verse 3 we read. पहला राजा 9वें अध्याय के तीसरे वचन में. The first after the prayer God said. उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उसे कहा. Solomon. हे सुलेमान. I heard your prayer. मैंने तेरे प्रार्थना को सुना. Chapter 9 verse 3. 9वें अध्याय के तीसरे वचन में. What God is telling? परमेश्वर ने क्या कहा? I heard all your prayer. मैंने तेरे उन प्रार्थनाओं को सुना. I heard all your prayer. और तेरे उस प्रार्थना को मैंने सुन लिया. I will do according to that. और अब मैं तेरे प्रार्थना के अनुसार करूंगा. Whatever you pray, I will do it. जो कुछ तूने मांगा उसे मैं करूंगा. You see, if you read that chapter, the Lord is telling, whatever you pray, I will do. उस अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तू मांगता है उसे मैं करूंगा. But in the next words, लेकिन अगले वचन में chapter 9 verse 4 God told. 9वें अध्याय के चौथे वचन में परमेश्वर ने कहा. Chapter 9 verse 4 what God told. 9वें अध्याय के चौथे वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? But your duty. लेकिन तेरा काम है. What you have to do. तुझे क्या करना है? Amen. Hallelujah. What you have to do. तुझे क्या करना है? You will walk in my ways. तू मेरे मार्गों पर चल. And obey my word. और मेरे नियमों को मानता रहे. Is it there chapter 9 verse 4? क्या ऐसा लिखा है 9वें अध्याय के चौथे वचन में? You walk in my ways. तू मेरे मार्गों पर चल. Obey my word. और मेरे आज्ञाओं को मान. And in the next we read. और अगले में हम वचन पढ़ते हैं. Early verse 6 and 7 if you read. छठे और सातवें वचन में पढ़ते हैं. See if you don't walk in my way. And obey my word. अगर तू मेरे मार्गों पर नहीं चले और मेरे आज्ञाओं को नहीं मानेगा. If you turn towards idols and worship idols. अगर तू मूर्तियों की उपासना करे तो. Hallelujah. Hallelujah. Then what I will do? तो मैं क्या करूँगा? I will cast out all Israel. मैं इसराइलों को यहाँ से भगा दूँगा. Verse 6 and 7. छठे और सातवें वचन में हम पढ़ सकते हैं. Verse 7. Alaba. सातवें वचन में. Amen. Instead of walking in my ways, और मेरे मार्गों पर चलने को छोड़कर, instead of obeying my word, मेरे आज्ञाओं को मानने को छोड़कर, if you turn to idols, अगर आप मूर्तियों के पीछे जाओगे, then hallelujah, all Israel, I will cast. और सारे इसराइलों को मैं ना भगा दूंगा. They will go into captivity. और वो बंधुआई में चले जाएंगे. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. Hallelujah. See, God told. तो परमेश्वर ने तो कहा. डेविड टोल्ड. दाऊद ने कहा. एवरीबॉडी टोल्ड. सभी लोगों ने कहा. इवन दिस प्रॉफेट टोल्ड. और ये नबी ने भी कहा. अहिया टोल्ड. अहिया ने भी कहा. रिपीटेडली देयर वाज वार्निंग इन हिज लाइफ. और बार बार उसके जीवन में उसे चेतावनी मिला था. बट आफ्टर हियरिंग आफ्टर रिपीटेड वार्निंग ही डिड द सेम सिन. लेकिन उन चेतावनी को सुनने के बाद भी उसने वही पाप अपने जीवन में किया. हालेलुया. हालेलुया. Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे. It is not that we hear God's word. और ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं. It's not that we got the opportunity to hear God's word. और ऐसा नहीं कि हमें मौका मिला परमेश्वर के वचन को सुनने का. God wants that we should obey His word. लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके वचनों को माने. We have to keep His word in our life. उसे वचनों का हमें पालन करना है. I'm going to lift your hands and tell the Lord. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहें. Lord, not only I hear your word. प्रभु मैं केवल तेरे वचनों को सुनता नहीं. I'll obey your word. लेकिन मैं उसका पालन करूंगा. I will live according to your word. और मैं तेरे वचनों के अनुसार जीऊंगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Then the Lord will be with you. और तभी परमेश्वर आपके साथ रहेगा. And the Lord, hallelujah, will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. You see, now chapter 11 verse 40. और अब 11 अध्याय के 40वें वचन में पढ़ते हैं. First King chapter 11 verse 40 we read. पहला राजा 11 अध्याय के 40वें वचन में. Solomon was seeking to kill whom? To kill Jeroboam. और अपन पढ़ते सुलेमान यारोबम को मारना चाहता था. Hallelujah. Solomon was now seeking to kill Jeroboam. अब यारोबम जो सुलेमान था वो यारोबम को मारना चाहता था. Why? क्यों मारना चाहता था? Why? क्यों मारना चाहता था? Why he was going to kill him? Kingdom again. How Solomon came to know? और सुलेमान इस बात को कैसे जान पाया? Prophet Ahijah told him. क्या वो नबी अहिया ने उसे कहा? How many people were in the field? उस मैदान में कितने लोग थे? Only two people were there in the field. वहां पर केवल दो ही लोग थे. Ahijah was there, Jeroboam was there. वहां पर केवल अहिया और यारोबम ही थे. Hallelujah. Now Ahijah did not tell anyone. तो अब अहिया ने किसी से जाकर नहीं कहा. He kept everything secret. उसने सब कुछ सीक्रेट रखा.
But who reveal everything? लेकिन सब बातों को किसने बताया? This man Jeroboam could not keep this message. और ये जो यारोबाम उस संदेश को अपने दिल में नहीं रख पाया. He could not keep it in his heart. अपने मन में उस बात को वो रख नहीं पाया. The problem came because he could not keep it in his heart. और उसके जीवन में समस्या तब शुरू हुआ जब अपने मन में उन बातों को वो नहीं रख पाया. Hallelujah. Dear God children. प्रिय परमेश्वर के बच्चे. There are many things. ऐसे बहुत सारे बातें हैं. You have to keep it in our heart. आपको आपके मन में रखना है. Otherwise you will be in trouble. नहीं तो आप समस्या में पड़ जाएंगे. Many times why you are in trouble? बहुत सी बार हम क्यों समस्या में पड़ जाते हैं? हम क्यों समस्याओं में पड़ जाते हैं? Because you are all India radio. क्योंकि आप ऑल इंडिया रेडियो हो. The small thing I'm publishing like Alleluia, so on, so on. और छोटी बातों को भी आप सबके जाकर कह देते हैं. Everybody, Alleluia, I'm going to die and this and that. All these things we are making. और आप सबसे जाकर कह देते कि मैं ये करने वाला वो करने वाला हूँ. When God is talking to you. लेकिन जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है. When God is giving you a plan. परमेश्वर आपको एक योजना देता है. Alleluia, wait. Amen, hallelujah for God. लेकिन आप परमेश्वर के लिए रुके रहो. Wait for God's time. परमेश्वर के समय के लिए आप रुके रहो. Hallelujah, keep it in your heart. उसे आप अपने मन में रखो. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. See, sometime when you tell others. कुछ समय जब आप दूसरों से जाकर कहते हो. Instead of keeping in you, tell something to others. जब आप अपने मन में नहीं रखते और किसी और को बता देते हो. That thing will not come. तो वो जो बात नहीं आती. அதாவது இருதயத்தில் வைக்காம சும்மா எல்லார்டையும் சொல்லிக்கிட்டே தெரிஞ்சா கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்காது. और जब आपके मन में जो होना चाहिए वो आप सबसे जाकर बताते हो, जो आपको प्राप्त करना था वो आपको कभी नहीं मिलेगा. நடக்க வேண்டியது நடக்காது. जो होना था वो आपके जीवन में फिर नहीं होता. புரியுதா? क्या आप समझ रहे हो? சும்மா எல்லார்டையும் போய் அல்ல சொல்லிட்டே தெரிஞ்சா அல்ல. அகர் ஆப் சப்சே ஜாக்கர் கேத்தே ரஹதே ஹோ. அப்பதான் ஒரு இன்டர்வியூ கே லெட்டர் வந்திருக்கும். ஷாயத் ஆப்கே ஹாத் மே தபி ஏக் இன்டர்வியூ கா லெட்டர் ஆயா ஹோ. லெட்டர் வந்த உடனே கடஞ்சிருச்சு. பெரிய கடஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி எல்லார்கிட்டையும் பப்ளிசிட்டி பண்ணு. ஆர் துரந்த் ஆப் சப்சே ஜாக்கர் கேத்தே கி முஜே நௌக்கரி மில் கயா சப்கோ பப்ளிசிட்டி கர்தே ஹோ. கடைசி கையில கடைக்காமல பேரா. ஆர் அந்த மே நௌக்கரி ஆப்கோ மில்தா ஹி நஹி. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அம்னி சே டில் காட்ஸ் டைம். कितने लोग कहते हैं परमेश्वर के समय तक I'll keep everything in my heart. मैं सब कुछ मेरे मन में रखूंगा. You see, Mary, the angel told, you will have child. और जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू एक संतान प्राप्त करेगी. What Mary did? तो मरियम ने क्या कहा? मरियम ने समझा? मरियम ने क्या किया? நீ கர்ப்பவதியாவே ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுப்பேன் சொன்னானே ஊரெல்லாம் போய் சொல்லிட்டு தெரியல. जब स्वर्गदूत ने आकर कहा कि तू बच्चा प्राप्त करेगी तब वो गांव में जाकर कहने नहीं लगी. அவள் என்ன செய்தாளா? उसने क्या किया? மனதிலே வைத்தாள். उसने अपने मन में उस बात को रखा. நடக்கிற வரைக்கும் பாப்போம் பஸ். उसने कहा जब तक नहीं होता तब तक मैं देखूंगी. ஆண்டவருடைய நேரம் ஆலலி அது வரைக்கும் பொறுமையோட இருப்பேன். उसके समय तक मैं धीरज के साथ रुकूंगी. ஊரெல்லாம் சொல்லிட்டு தெரியல மரியா. वो पूरे गांव में जाकर उसने इस बात को नहीं बताया. ஏன் ஆண்டர் பேசிட்டார்? ஏன் ஆண்டர் பேசிட்டார்னு சொல்லி. परमेश्वर ने मुझसे आकर बात किया इस बात को उसने नहीं बताया. நேரடியா தூதன் வந்து பேசணும்னு சொல்லிட்டு தெரியல. उसने ये नहीं कहा कि स्वर्गदूत आकर मुझसे बात किया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Because this Jeroboam. और क्योंकि ये यारोबाम. He must have already spoken all these things. उसने उन बातों को सुलेमान से कहा होगा. So he was in trouble. इसलिए अब वो समस्या में पड़ गया था. David and Solomon was going to kill this Jeroboam. अब सुलेमान यारोबाम को मारना चाहता था. Where he went? कहां पर गया? Where Jeroboam went? अब यारोबाम कहां पर गया? In the towards 40 where he ran? 40 से वचन में वो कहां पर गया? He ran to Egypt. वो मिस्र पर चला गया था. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes God can keep it in Israel itself. और कुछ समय इज़राइल में ही परमेश्वर रखना चाहता है. But for him, he ran to Egypt. लेकिन यहाँ पर यारोबाम मिस्र में चला गया. But more than everything, लेकिन सबसे बढ़कर. Whether Egypt or Israel. चाहे मिस्र हो या इज़राइल हो. God is our hiding place. परमेश्वर ही हमारा छुपने का स्थान है. हमने से Lord is our hiding place. कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. In Psalm 32 verse 7. Lord, you are my hiding place. भजन संहिता 32 के साथ में दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरा छुपने का स्थान है. Hallelujah, he was staying there. और वो वहाँ पर था. As Solomon died. सुलेमान अब मर चुका था. After Solomon died. और सुलेमान के मरने के बाद. This Jeroboam came back to Israel. अब यारोबाम फिर इज़राइल लौटा. Chapter 12 verse 20. हमें what we read. पहला राजा 12 अध्याय के 20 वचन में क्या पढ़ते हैं? Chapter 12 verse 20.
पहला राजा 12 अध्याय के 20 वचन हम क्या पढ़ते हैं, ऑल द 10 ट्राइब्स पीपल केम, सारे उन 10 गोत्र के लोग अब आए थे, दे मेड जरोबाम व्हाट किंग, और उन्होंने यारोबाम को वहां का राजा बना दिया था। गॉड्स वर्ड एग्जैक्टली फुलफिल्ड, और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हो गया। हमने से व्हेन गॉड इज स्पीकिंग समथिंग, किन लोग कहते हैं जब परमेश्वर कुछ बातों को कहता है, ही इज एबल टू फुलफिल इस वर्ड, और वो उसके वचनों को पूरा करने के लिए योग्य है। नो वर्ड विल फॉल इन द ऑन द ग्राउंड, और उसका कोई भी वचन नीचे नहीं गिरता। से लॉर्ड आई बिलीव योर प्रॉमिसेस, किन लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरे प्रतिज्ञाओं पर मैं विश्वास करता हूँ, ट्रस्ट योर वर्ड, तेरे वचनों पर मैं भरोसा करता हूँ। इन फर्स्ट किंग्स चैप्टर 12 वर्स 20 ऑल द 10 ट्राइब्स केम एंड मेड हिम एज़ द किंग। पहला राजा 12 के 20 में हम पढ़ते कि उन जो 10 गोत्र के लोग आकर उसे राजा बना दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया। आई मीन से द ऑर्डिनरी मैन, किन लोग कह सकते हैं जो साधारण व्यक्ति, ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण सा एक व्यक्ति, गॉड एक्सॉल्टेड हिम, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। यू सी सोलोमन्स सन ओनली 2 ट्राइब्स, और सुलेमान का जो बेटा था उसको 2 गोत्र ही मिला। यारोबाम हाउ मेनी ट्राइब्स, लेकिन यारोबाम को कितने गोत्र मिले, 10 ट्राइब्स, उसे 10 गोत्र मिला। ही गॉट ग्रेट ब्लेसिंग, उसे बड़ी आशीष मिली, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा मौका उसके जीवन में मिला। बट आफ्टर ही गॉट अपॉर्चुनिटी, लेकिन उस मौके को प्राप्त करने के बाद व्हाट ही वाज डूइंग, उसने क्या किया, इन चैप्टर 12 वर्स 22 वी रीड, उस पहला राजा 12 अध्याय के 22 वचन में हम पढ़ते हैं, वर्स 22 क्या 22 वचन है, ही मेड हाउ मेनी कॉफ, वहां पर कितने उसने, एंड 22 वर्स और 28 क्या 12 अध्याय का 28 वचन है, 28 वर्स 28 28 वचन में पढ़ते हैं, हाउ मेनी कॉफ ही मेड, 2 गोल्डन कॉफ ही मेड, उसने सोने के 2 बछड़े बनाए। इसी दिस 10 ट्राइब्स हालेलुया, द साउथ बाउंड्री वाज बेथेल, और उन 10 गोत्रों के दक्षिण का जो भाग था वो वहां पर बेथेल था। आफ्टर बेथेल इफ यू क्रॉस, और बेथेल के बाद वेरी नियर जेरुसलेम विल कम, बहुत ही निकट में यरूशलेम था। The north end near Galilee, लेकिन उत्तर भाग में गलीली के सामने there is a place called Amantan, वहाँ पर दान करके एक जगह था। So one he kept in Dan, और एक उसने वो दान में रख दिया, one he kept in Bethel, और एक बछड़े को उसने बेतेल में रख दिया। Hallelujah, Hallelujah. What he told, उसने क्या कहा, what he told, उसने क्या कहा, he told all Israel people, उसने सारे इज़राइल से कहा, all 10 tribes, सारे 10 लोगों के लोगों गोत्र के लोगों से कहा, this is what your God, और उसने कहा कि यही तुम्हारा देवता है, this is what Hallelujah, I mean leading you, guiding you, और यही देवता तुम्हारी अगुवाई करता है, so he had to worship this, तो इसलिए तुम्हें इन देवताओं की पूजा करना है। These 2 golden calf from where it was brought, ये 2 सोने के जब बछड़े को कहां से उसने लाया था, from Egypt it was brought, मिस्र से उसने लाया था, but now he is the man made 2 golden calf, लेकिन अब इसने 2 सोने के बछड़े को वहां पर बनाया। Herod made how many golden calf, Herod ने कितने बछड़े को बनाया था, Herod made how many, हेरोद ने कितने सोने के बछड़े को बनाया, only one, उसने केवल एक ही बनाया था। Exodus chapter 32, निर्गमन 32वां अध्याय में, Exodus 32 verse 8 we read, निर्गमन 32वां अध्याय के 8वें वचन में, हेरोद मेड 1 गोल्डन calf in that wilderness, और हारून ने उस मरुभूमि में एक बछड़े को बनाया था, because of that one golden calf, उस एक सोने के बछड़े के कारण। God's, in verse 10 God spoke to Moses, 10वां वचन में परमेश्वर मूसा से बात किया है, आई विल डिस्ट्रॉय ऑल द पीपल, परमेश्वर ने कहा कि मैं सारे लोगों को नाश करने वाला हूँ, आई विल डिस्ट्रॉय ऑल द पीपल, मैं सारे लोगों को नाश करने वाला हूँ, आई विल मेक यू एज ए नेशन, और मैं तुझे एक राष्ट्र बनाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। फॉर हाउ मेनी गोल्डन कॉफ, कितने सोने के बछड़ों के लिए, फॉर वन गोल्डन कॉफ, केवल एक सोने के बछड़े के लिए। God said, I will destroy all the people. परमेश्वर ने कहा कि मैं सारे लोगों को अब नाश कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। But now how many golden calf? लेकिन यहाँ पर हम कितने बछड़ों को पढ़ते हैं? 2 golden calf. 2 सोने के बछड़े। God will get angry or not? क्या परमेश्वर क्रोधित होगा या नहीं? The Lord is getting angry now. परमेश्वर अब क्रोधित हो गए थे। Dear God children, ये परमेश्वर के बच्चे। Don't allow any idol in your life. आप कोई भी मूर्तियों को आपके जीवन में अनुमति ना दे। Whatever you love more than your Lord, जो कुछ आप परमेश्वर से अधिक चाहते हो, whatever you love more than the Lord, और जो कुछ परमेश्वर से अधिक आप प्रेम करते हो, that is idol, वो आपके जीवन में मूर्ति बन जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। इतना सुन रही है நான் ஹalleluya நான் கர்த்தரகாட்லோ எதெல்லாம் அதிகமா நேசிக்கிறேனோ அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு விக்கிரமா தான் பாக்க, और जो कुछ हम परमेश्वर से अधिक हमारे जीवन में प्रेम करते हैं वो सब मूर्ति बन जाता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவரே காட்டுல உங்க காத்துல கழுத்துல போடுறத ரொம்ப நேசிச்சீங்கன்னா
அதுதான் உங்க விக்கிரகம். அகர் ஆப்கே கான் மே ஆப்கே கலே மே ஜோ செயின் பெந்தோ அகர் உஸ்ஸே ஆப் பரமேஸ்வர் சே அதிக பிரேம் கர்த்தே தோ வோ ஆப்கா மூர்த்தி பன் ஜாயேகா. அண்டர் கார்ட்ல உங்களுடைய ஓவர் டைம் அல்லது எக்ஸ்ட்ரா பைசா அதை நீங்க நேசி செய்யணும்னு சொன்னா அதுதான் உங்க விக்கிரகம். அகர் பரமேஸ்வர் சே அதிக ஆப்கா ஓவர் டைம் ஆப் பிரேம் கர்த்தே தோ வோ ஆப்கா மூர்த்தி பன் ஜாதா. எனக்கு கர்த்தர் போதும், ஓவர் டைம் வேண்டாம். और मेरे लिए परमेश्वर काफी है, मुझे ओवर टाइम की जरूरत नहीं है। आराधना போதும், ओवर टाइम வேண்டாம். मुझे आराधना काफी है, ओवर टाइम की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अदरवाइज इट विल बिकम आइडल इन योर लाइफ। नहीं तो वो आपके जीवन में मूर्ति बन जाएगा। स्लोली यू विल फॉल इन सिन। और धीरे धीरे आप पाप में गिर जाओगे। हालेलुया। यू विल बैकस्लाइड और आप पीछे हटेंगे। हालेलुया हालेलुया। आई मीन द बुक ऑफ Ezekiel we read. Ezekiel में हम पढ़ते हैं. Ezekiel chapter 14 verse 3. Ezekiel 14 अध्याय के तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं. Ezekiel was talking about idol worship. यहाँ पर Ezekiel मूर्ति पूजा के बारे में कहता है. Hallelujah. Chapter 14 verse 3 what we read. Ezekiel 14 अध्याय के तीसरे वचन में क्या पढ़ते हैं? Ezekiel chapter 14 verse 3 we'll read. Ezekiel 14 अध्याय के तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे. Hallelujah. Rabbas. 14 verse 3. 14 अध्याय के तीसरे वचन में Ezekiel chapter 14 verse 3 what we read. Ezekiel 14 अध्याय के तीसरे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Praise the Lord. Hallelujah. Men have set up idols. See, they set the idols where in their heart. और इन लोगों ने अपने मूर्ति अपने मन में स्थापित किए हैं. There are people they set their idols in their heart. और ऐसे कुछ लोग हैं जो मूर्तियों को अपने मन में स्थापित करते हैं. Some are keeping idol in the home. कुछ लोग घरों में उस मूर्ति को रखते हैं. They keep idol somewhere. और कहीं और वो रखते हैं. Hallelujah, but here they kept it in their heart. लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं उन लोगों ने अपने मन में उन मूर्तियों को रखा. Hallelujah, रब. Hallelujah. 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 Because of this. और इसी कारण. Because of this idol worship. और इन मूर्ति पूजा के कारण. What happened? वहाँ पर क्या हुआ? Chapter 14, verse 1. 14 अध्याय के पहले वचन में. What punishment came? In Jeroboam life. उस यारोबाम के जीवन में क्या आया? Jeroboam son, a child was sick. और यारोबाम का जो पुत्र अब बीमार हो चुका था. Chapter 14 verse 1. पहला राजा 14 अध्याय के पहले वचन में. A child was sick. यारोबाम का बेटा अभी अब रोगी हो गया. The same chapter verse 17 we read. और उसी अध्याय के 17 वचन में हम पढ़ते हैं. A child died. उसका जो बेटा अब मर चुका था. The child was sick. उसका बेटा बीमार था. Then the child died. और अब उसका बेटा मर चुका था. Hallelujah. 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 You know, David was lying down for his child. पर आप जानते हो दाऊद अपने बेटे के लिए नीचे पड़ा था. But he did not repent. He did not lie down, cry for the child. लेकिन यहाँ पर यारोबाम उसके बेटे के लिए रोया नहीं, प्रार्थना नहीं किया. And then verse 20 we read. और फिर 20वें वचन में पढ़ते हैं. Chapter 40, chapter 14 verse 20 we read. पहला राजा 14 के 20 में हम पढ़ते हैं. After some time, Jeroboam also died. कुछ दिनों के बाद अब यारोबाम भी मर गया था. Is there Jeroboam died? ऐसा लिखा है यारोबाम मर गया. Jeroboam child died. पहला यारोबाम का बेटा मर चुका था. And Jeroboam died. अब फिर यारोबाम भी मर चुका था. Because God spoke about his house. क्योंकि परमेश्वर ने उसके घर के बारे में बात की थी. I mean if you take chapter 14 verse 10. कितने लोग पहला राजा 14 अध्याय के 10वें वचन को ले सकते हैं? God's message about Jeroboam family. परमेश्वर का एक संदेश यारोबाम के घराने के लिए. Chapter 14 verse 10 God was telling. पहला राजा 14 के 10वें परमेश्वर ने कहा. I will not allow even one dog to live in that family. और मैं उस परिवार में एक कुत्ते को भी जीने नहीं दूंगा. और नाय கூட நான் என்ன செய்ய மாட்டேங்கறாரு. உயிரோட வைக்க மாட்டேங்கற. परमेश्वर ने कहा कि मैं उस परिवार में एक कुत्ते को भी जीवित नहीं रखूंगा. हालेलुया. हालेलुया. எதை கூட யரோபியன் ஃபேமிலில விட மாட்டேங்கறாரு. यारोबाम के परिवार में किसे भी नहीं रखेगा. எதை கூட உயிரோட வைக்க மாட்டேங்கறாரு. किसे जीवित नहीं रखेगा. और नाय கூட விட மாட்டாரு. एक कुत्ते को भी जीवित नहीं रखेगा. हालेलुया. हालेलुया. कारण ही बैकस्लाइडेड. उसका कारण यह था कि यारोबाम पीछे हट गया था. He went away from the Lord. वो परमेश्वर से दूर चला गया था. हालेलुया. हालेलुया. इन वर्स 9 विद चैप्टर 14 वर्स 9. 14 अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं. God was telling. परमेश्वर ने कहा. You did evil more than all the people before you. और तेरे से पहले जो लोग थे उनसे भी बढ़कर तूने पाप किया है. God said you did evil
more than all before you. परमेश्वर ने कहा कि तेरे से पहले जो लोग थे उनसे भी बढ़कर तूने मेरे दृष्टि में बुराई की है. Hallelujah. 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 Dear God children. प्रिय परमेश्वर के बच्चे. Because of this one man's sin. और इस एक व्यक्ति के पाप के कारण. All the 10 tribes were punished. उन 10 गोत्र के सारे लोग को दंड मिला. Onward we'll read. हम एक वचन को पढ़ेंगे. In Second King chapter 17. दूसरा राजा के 17 अध्याय. Second King chapter 17. दूसरा राजा 17 अध्याय. Verse 22 and 23 we'll read. उसके 22 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे. Verse 22. हमें verse 23 we'll read. 22 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे. What we read verse 22 and 23? 22 और 23 वचन हम क्या पढ़ते हैं? It happened BC 722 it happened. और ये BC 722 में ये बात हुई. From Assyria, the king of Assyria came against these 10 tribes. और असीरिया का जो राजा था अब वो 10 गोत्र के लोगों के विरोध में आया. Is there in the two words? कैसा लिखा है उस वचन में? The king of Assyria came. असीरिया का राजा उनके विरोध में आया. And he has taken all the 10 tribes as captive to Assyria. और उस 10 गोत्र के लोगों को उसने बंधुआई में असीरिया ले चला गया. 23 और 23 से वचन में लिखा है. The king of Assyria came. और असीरिया का राजा आया. Assyria vin raja vandhan. और अशूर का राजा वहां पर पहुंचा. இந்த 10 கோத்திரங்களையும் எங்க அடிமையா கொண்டு போய்ட்டான்? அசீரியாவுக்கு அடிமையா கொண்டு. और अब उस 10 गोत्र के लोगों को उसने अशूर में गुलामी के रूप में लेकर गया. हालेलुया. हालेलुया. Jeremiah was punished. यिर्मयाह को दंड मिला. Jeremiah house was punished. यिर्मयाह के घराने को दंड मिला. All 10 tribes were punished. सारे 10 गोत्र के लोग अब दंड. Because of one man's sin. वो एक व्यक्ति के पाप के कारण. One man backsliding. वो एक व्यक्ति का पीछे हटने के कारण. One man idol worship. उस एक व्यक्ति के मूर्ति पूजा के कारण. God gave great opportunity. परमेश्वर ने एक बड़ा मौका उसके जीवन में दिया था. God brought great blessing to him. परमेश्वर ने बड़ी आशीष उसके जीवन में रखा था. But he did not keep it in his life. लेकिन उस आशीष को उसके जीवन में नहीं रख पाया. Hallelujah. He thought it is, he wasted everything. और उसने सब कुछ व्यर्थ कर दिया. Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand and talk to the Lord? कि हम सब खड़े होकर कुछ समय परमेश्वर से बातें करें.